Good morning class, this is our new Anna Physio class in which today we will study about the remaining accessory organs of the GI system. हमने अपने last 2-3 classes के अंदर liver complete किया था. Liver first accessory organ है, main accessory organ है आपके GI system का. आज हम पढ़ने वाले हैं gallbladder, जो कि second accessory organ है. देखिए ये स्ट्रक्चर बताई गई है, लीवर के पास ही गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, और ये तीनों ही जो है वो एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं जीआई सिस्टम के. अब सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में गॉल ब्लैडर, जिसको अपन कोलसिस्ट गॉल ब्लैडर या बिलियरी वेसिकल कहते हैं, ये एक स्मॉल ऑर्गन है जहाँ पर बाइल स्टोर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने से पहले. ह्यूमन्स बिना गॉल ब्लैडर के भी जिंदा रह सकता है. गॉल ब्लैडर एक हॉलो ऑर्गन होता है जो कि लीवर की राइट लोब के जस्ट नीचे पाया जाता है. गॉल ब्लैडर एक नाशपाती के आकार का रिजर्वॉयर होता है जहाँ पर बाइल रहता है. ये लीवर की राइट लोब के इन्फीरियर सरफेस पर फॉसा में सिचुएटेड रहता है. गॉल ब्लैडर के लिए जो फॉसा है, फॉसा फॉर द गॉल ब्लैडर एक्सटेंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द पोर्टा हिपैटिस. ये मैंने आपको लीवर के स्ट्रक्चर में बताया था कि लीवर की इन्फीरियर बॉर्डर से जो पोर्टा हिपैटिस का राइट एंड है वहाँ से फॉसा फॉर गॉल ब्लैडर एक्सटेंड होता है. ये आपको डायग्राम बताया गया, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दिखाई गई, ये कैलॉट ट्राइंगल है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये यहाँ पर गॉल ब्लैडर दिखाई गई है जिसके अंदर सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट जिसकी ग्रीन कलर की दिखाई हुई है. लोकेशन एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, लीवर की इन्फीरियर सरफेस पर और क्वाड्रेट और राइट लोब के बीच में इसकी लोकेशन है. डायमेंशन कैपेसिटी, गॉल ब्लैडर 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 से 50 ml की कैपेसिटी वाला ऑर्गन होता है. एनाटॉमिकल, इसमें गॉल ब्लैडर की सबसे पहले नेक आपको ऊपर दिखाई दे रही है फर्स्ट नंबर पे, सारा इंडिकेशन दिया हुआ है भाई न्यूमेरिकली देखिए. उसके बाद नीचे उसकी बॉडी है गॉल ब्लैडर की, उसके बाद आपको साइड में ट्राइंगुलर ट्यूब में बाइफर्केट सी होती हुई जो है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट दिखाई गई है. उसके पास में सिस्टिक डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर से जुड़ी है, गॉल ब्लैडर की डक्ट को अपन सिस्टिक डक्ट कहते हैं. फिर फिफ्थ नंबर पे गॉल ब्लैडर की म्यूकोसा जो कवरिंग बताई गई है वो म्यूकोसा है. सिक्स्थ स्पाइरल फोल्ड बताए गए हैं जो सिस्टिक डक्ट के पास में ऐसे फोल्ड से होती हुई स्ट्रक्चर, वो स्पाइरल फोल्ड हैं. सेवन्थ नंबर पर आपको म्यूकस के स्मॉल फोल्ड्स दिखाए गए हैं, म्यूकस गॉल ब्लैडर की म्यूकस मेम्ब्रेन के स्मॉल फोल्ड्स हैं. एट्थ नंबर पे आप गॉल ब्लैडर की मस्कुलर लेयर देख सकते हैं, फिर गॉल ब्लैडर का बॉटम आपको नीचे दिखाई दे रहा है और ये लास्ट में कॉमन बाइल डक्ट है. अब गॉल ब्लैडर के पार्ट्स देखिए, जिसके 3 सेक्शंस होते हैं, नेक बॉडी और फंडस नेक. सिस्टिक डक्ट में एक नैरो पार्ट जो कि टेपर होता हुआ जा रहा है सिस्टिक डक्ट में, वो उसकी नेक है गॉल ब्लैडर की. इसकी बॉडी मेन डायलेटेड पोर्शन होता है जो कि फंडस और सिस्टिक डक्ट के बीच में पाया जाता है, और फंडस सबसे बॉटम का पार्ट है जो कि लीवर के अंदर से प्रोट्रूड होता हुआ निकल रहा है, ये फंडस है. तो 3 स्ट्रक्चर, नेक बॉडी और फंडस. गॉल ब्लैडर की नेक पर एक म्यूकस फोल्ड होता है जिसको अपन हार्टमैन्स पाउच कहते हैं, जहाँ पर गॉल स्टोन कॉमनली पाया जाता है. जो लोग कहते हैं ना कि गॉल स्टोन की शिकायत है, जिसको साइंटिफिकली अपन कोलिथियासिस कहते हैं, वो कोलिथियासिस कहाँ पर होता है, इस हेटमैन्स पाउच यानी गॉल ब्लैडर की नेक में. गॉल ब्लैडर का एंगल जो कि कॉस्टल मार्जिन और लेटरल मार्जिन के बीच में पाया जाता है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल के कॉस्टल मार्जिन और लेटरल मार्जिन के बीच में जो गॉल ब्लैडर का एंगल पाया जाता है. फिर जो फंडस है वो कहाँ पर है, ये ट्रांसपायलोरिक प्लेन के सेम लेवल पे इसका फंडस पाया जाता है, ट्रांसपायलोरिक प्लेन के सेम लेवल पे. अब ये पिक्चर में आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन दिखाए गए हैं, देखो कैसे दिखाई दे रहे होते हैं चमकते हुए से पत्थर नुमा. अब बिलियरी एपरेटस क्या होता है, ये लीवर से बाइल को कलेक्ट करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, और फिर इसको
इस बाइल को ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ट्रांसमिट करता है। बिलरी एपरेटस लिवर से बाइल को कलेक्ट करके गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और फिर ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में ट्रांसमिट करता है जब भी आवश्यकता पड़ती है। इस एपरेटस में क्या क्या चीज़ें आती है? राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, ये पांच पार्ट्स आते हैं। राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट। अब सबसे पहले हिपैटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है वो लीवर के लेफ्ट और राइट लोब से हिपैटिस पोर्टा हिपैटिस पर एमर्ज होती है। डायग्राम में देखते जाइए इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के बारे में बताया गया है। देखिए राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये देखो ये बड़ी होती हुई है राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जो कि कहाँ से? लीवर से ऑरिजिनेट होती है, बताई गई हैं। दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द पोर्टा हिपैटिस फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड इज, बिहाइंड से फॉरवर्ड पोर्टा हिपैटिस पर ये स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट देखिए कैसा है। पहला पोर्टल वेन की ब्रांचेस, फिर हिपैटिक आर्टरी और फिर हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक डक्ट डायग्राम में देखिए कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है आपको ये सारी चीज़ें। कहाँ पर दिखाई दे रही है? पोर्टा हिपैटिस पर इन स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट देखना है आपको, ठीक है। अब दूसरी कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या बना रही है, कैसे बन रही है? ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो कि पोर्टा हिपैटिस के राइट एंड पर आकर के यूनियन हो रही है, आकर के जुड़ रही है पोर्टा हिपैटिक से राइट एंड के पास आकर के, जो राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आकर के यूनियन हो रही होती है तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। ये डाउनवर्ड रन करती है, लगभग 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड रन करती है और जॉइंट होती है एक्यूट एंगल पर राइट साइड पर। ये सिस्टिक डक्ट द्वारा ये जॉइंट होती है और बाइल डक्ट ये बनाती है। बाइल डक्ट बनाती है सिस्टिक डक्ट के द्वारा एक्यूट एंगल पर राइट साइड में ये जॉइंट हो रही है। तो ये देखिए ऊपर से ये दो ब्रांचेज, ये आपको ऐसे दिख रहा है, ये दो ब्रांचेज आकर के जुट रही है और कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही है। अब सिस्टिक डक्ट देखिए डायग्राम में, ये आपको ये सिस्टिक डक्ट जो है वो दिखाई दे जाएगी। पास में दिख रही है ना ये सिस्टिक डक्ट, अच्छे से दिख रहा है ये नाम आपको सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, गॉल ब्लैडर की नेक पर से शुरू होती है, डाउनवर्ड रन करती है, डाउनवर्ड फिर बैकवर्ड और फिर ये लेफ्ट पर जाती है और लेफ्ट एंड एंड्स बाय द जॉइनिंग द कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट को जहाँ पर ये जॉइन कर लेते वहाँ पर ये एंड हो जाती है। डक्ट एट एन एक्यूट एंगल टू फॉर्म द बाइल डक्ट, और एक्यूट एंगल पर ये जॉइन होकर के क्या बनाएगी? बाइल डक्ट बनाएगी। कॉमन हिपैटिक डक्ट से जॉइन होकर के ये सिस्टिक डक्ट क्या बनाती है? बाइल डक्ट बनाती है। अब सिस्टिक डक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक सीरीज बनाती है 5 से 12 क्रिसेंटिंग फोल्ड की, 5 से 12 क्रिसेंटिंग फोल्ड की सीरीज। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रक्चर ही क्रिसेंटिक फोल्ड्स हैं जो कि स्पायरली अरेंज रहते हैं और क्या बनाते हैं? स्पायरल वॉल्व बनाते हैं हिस्टर के स्पायरल वॉल्व बनाते हैं। ये ट्रू वॉल्व नहीं होते, तो ये स्पायरल वॉल्व भी आपको दिखाए गए हैं डायग्राम के अंदर। ये स्पायरल वॉल्व है और ये 5 से 12 क्रिसेंटिक फोल्ड्स है। ये डायग्राम में देख लीजिए भैया आप अच्छे से, ये सिस्टिक डक्ट, ये अंदर फोल्ड से बताई गई, ये गॉल ब्लैडर, ये राइट हिपैटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये दोनों ज्वाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं और फिर ये भी सारी मिलकर के पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में जुड़ती हुई आगे जाकर के ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुल रही है। अब बाइल डक्ट जो है वो सिस्टिक और कॉमन हिपैटिक डक्ट के यूनियन से पोर्टा हिपैटिस के पास में ये यूनियन होता है वहाँ पर ये बनती है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये बाइल डक्ट डाउनवर्ड बैकवर्ड रन करती हुई फर्स्ट इन फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम के फ्री मार्जिन में, पहले फ्री मार्जिन में लेसर ओमेंटम के सुप्रा ड्यूडेनल पार्ट के फर्स्ट पार्ट में, फिर देन बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड रेट्रो ड्यूडेनल पार्ट, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में रेट्रो ड्यूडेनल पार्ट के अंदर, लास्टली पीछे
एम्बेडेड होती है ये पेनक्रियाज इंफ्राड्यूरल पार्ट के हेड में, पेनक्रियाज के हेड में जो इंफ्राड्यूरल पार्ट है उस वहाँ पर जाकर के जुड़ रही है। तो ये पूरी इसकी डाउनवर्ड बैकवर्ड कैसे लेस रोमेंटम से जुड़ी है, कैसे सुप्राड्यूरल पार्ट से जुड़ी हुई है, ड्यूडेनम और रेट्रोड्यूरल पार्ट वगैरह सबका रिलेशन इसके साथ में बताया हुआ है। खुद से इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये सारे डायग्रामेटिकली बताए हुए कैसे, ये देखो ये रियल पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, ये डायग्राम नहीं है ये रियल पिक्चर्स हैं। तो कैसे ये जुड़ रही हैं कितनी अच्छी क्लियर अच्छे से बड़ी सी करके, पैनक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनल एम्प्यूला बताया गया, ड्यूडेनल पैपिला बताया गया, ल्यूमन स्फिंक्टर ऑडाई, बड़ा अच्छा पिक्चर है ये। अब बाइल डक्ट जो है नियर द मिडल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के लेफ्ट साइड के मिडल के पास में ये आती है और कांटेक्ट करती है पैनक्रियाटिक डक्ट से एंड ए कंपनीज इट थ्रू द वॉल ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की वॉल के साथ में ए कंपनीड होते हैं इंट्राड्यूडेनल पार्ट में। फिर जो कोर्स ऑफ डक्ट है वो ड्यूडेनल वॉल के द्वारा जा रहा है जो कि काफ़ी ऑब्लिक है। वॉल के अंदर दो डक्ट्स यूजुअली जुड़ती है और हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला बनाती है और इसी को अपन एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। ये पॉइंट याद करिए भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था एम्प्यूला ऑफ वेटर क्या होता है, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, जहाँ पर ये दो बाइल डक्ट्स जो हैं, ये दो डक्ट्स वॉल के अंदर दो डक्ट्स यूनाइट हो करके हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला बनाती है, इसको अपन एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। बस ये स्ट्रक्चर आपको, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स आपने देखी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हिपैटिक डक्ट के साथ में रिलेशन, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में रिलेशन अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर के एनाटॉमी इतनी ही है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, खुद से पढ़ करके देखिए, धीरे धीरे आराम से डायग्राम के साथ में पढ़ करके समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगी।